नमस्कारम। हाल ही में पिछले दिनों मैंने आप सबसे अपने मन की बात करी थी और आप सब ने उस कार्यक्रम को देखा भी था। आज फिर से एक बार उसी कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच आया हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कहीं आपको ये तो नहीं लगता होगा कि ये हमारे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जो करना है करें, हमसे क्यों पूछना। पर जब आप कार्यक्रम को देखते हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं गलत हूँ। आप सब भी मुझसे उतना ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जितना मैं आप सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ जैसे आप मेरे ही परिवार के सदस्य हैं या हम सब परिवार हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मैंने आप सबसे पूछा था इसलिए कि मैं एक कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ नया, जिसमें आप सबके सवाल मैं लूँ, उस पर चर्चा करूँ। आप सब ने अपने अपने सुझाव दिए थे कि ये नाम रख लें, ये नाम रख लें, क्योंकि मैंने ही पूछा था कि क्या नाम होना चाहिए उस कार्यक्रम का, जो सरल हो, जो हर किसी को याद हो जाए, इस तरह का कोई जो इस कार्यक्रम को रिजेंबल करे, यानी बताए कि हाँ इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारे सुझाव आए मेरे पास, मैंने आप सबके नाम भी लिखे, क्या क्या नाम आपने मुझे सुझाए और आपका क्या नाम है जिन्होंने सुझाया नाम। मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, सबको तो नहीं ले पाया इसमें, लेकिन फिर भी अभी मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से नामों के सुझाव जो मुझे लगा कि हाँ हो कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और फिर अंत में बताऊँगा कि जो कार्यक्रम का नाम अब मैंने सोचा है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ख्याति जैन जी ये कह रही हैं कि एक कदम निरोगता की ओर, अच्छा सुझाव है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी मैंने इनमें से कोई रखा नहीं है, आप बस सुनते जाइए। और आप लोगों की भी जो परिकल्पनाएं हैं, जो भाव हैं, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए मैं सबका पहले बोल दूं एक बार। फिर मीनाक्षी अग्रवाल जी कहती हैं कि निरोगी काया इसका नाम होना चाहिए, ये भी अच्छा लगा मुझे। और अनीता महाजन जी कहती हैं कि बैक टू आयुर्वेद, ये भी अच्छा था। और गौरव साहू जी ने कहा नित्यानंदम वीकली, हालांकि हो सकता है मैं इसको रखता इस नाम को अगर मैं इस कार्यक्रम को वीकली लाता तो। और अभी मैंने विचार नहीं किया वैसे कि ये कार्यक्रम रोज़ आना चाहिए या वीकली आना चाहिए, फिक्स डेट पे आना चाहिए या कभी कभी आना चाहिए। हालांकि मैं एक कार्यक्रम जो अभी संवाद आपके साथ चला रहा हूँ, वो तो मेरा एक नियम है, मैं बना के रखने की कोशिश करूँगा कि मैं उसको रोज़ आपके साथ दूँ, आपको दूँ। लेकिन इसके लिए मैं अभी पूरा तैयार नहीं हूँ कि मैं अगला जो कार्यक्रम शुरू करने वाला हूँ वो रोज़ दे पाऊँगा या नहीं, बिल्कुल अभी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी हमारे साथ जब धीरे धीरे टीम को जोड़ेंगे हम, तो काफ़ी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी, तो फिर मैं समय निकाल पाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं उसको चाहता हूँ कि मैं रेंडमली आपको दूँ, कभी एक दिन छोड़कर, कभी रोज़ आ गया दो तीन दिन, कभी हफ्ते में एक दो बार। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हफ्ते में एक से दो बार तो वो ज़रूर कार्यक्रम आएगा। और फिर मुझे सुझाव दिया नेहा शर्मा जी ने नित्य आप तक, ज़रूर रखता मैं ये नाम, लेकिन इसमें मेरा नाम आपने बीच में जोड़ने की कोशिश करी है, जो कि मैं कभी कभी नहीं भी पसंद करता, लेकिन आपने अपनी तरफ से सुझाव दिया, बड़ा अच्छा था, प्यारा है। शिव महाराज जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन, अच्छा सुझाव है। फिर एक सुझाव आया विनोद जी की तरफ से, ये कह रहे हैं कि दुख निवारण कार्यक्रम, ये भी अच्छा सुझाव है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले मैं एक ऐसे कार्यक्रम किया करता था, योग कैंप लगाया जा करता था, जिसमें हज़ारों लोग भाग लेते थे, और वो कैंप का नाम ही मैं ये रखा हुआ था मैंने, दुख रोग निवारण शिविर, ऐसा था, दुख रोग निवारण योग शिविर। तो फिर कुछ समय के बाद जब आश्रम बनाया, फिर उसके बाद मैंने कैंप्स नहीं किए, खैर। तो ये मुझे वो उस बात की याद आ गई वहाँ से। और मधु भट्टा राय जी ने कहा है वैदिक क्रांति, ये अच्छे नाम थे, सारे सुझाव अच्छे थे, लेकिन जो नाम मैंने चुना है वो नाम
लगभग लगभग 22 लोगों ने मुझे सुझाव दिया इसका, तो इसका मतलब फिर मुझे ये बात इस पर विचार करना पड़ा कि नहीं, इतने लोग सब एक ही नाम बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर इसी नाम को रखूं। तो फिर मैंने वो नाम चुना 22 लोगों के। पहले मैं नाम बताऊं ज़रा, इसमें आयुर्वेद की और मोहित जी, संजय जी, संजय सिहग नाम में से लिखा हुआ है, रजत जी और सुप्रिया, हरमंदर सिंह जी, राखी सैनी, मुनीष गोयल जी, रवि शर्मा और किशन भट्ट जी, सुनंदा जी, अजय चौधरी जी, अजीत खंडेलवाल जी और रक्षा देव धारकर जी और संजय वर्मा जी, ब्रह्मचारी रवि जी और दिव्यांका जाला जी, रितिका और कमलजीत संधु जी, कृष्ण कुमार जी, खान भैया जी और प्रणोमिता दास जी, ये सब ने एक ही नाम सुझाया कि नहीं आप ये वाला नाम रखो। और वो नाम फिर मैंने सोच लिया कि हाँ फिर यही रखते हैं। तो आप भी सोचेंगे कि नाम ही रखना है, रख लो, और फिर इतना बता करके वीडियो बनाना क्यों बनाना। जब चीज़ को हम पूरे विधि विधान से करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ अंदर हमारे जिम्मेवारी का एहसास उठता है कि हाँ हमें ये चीज़ हमने बड़े ढंग से शुरू की थी, उसको निभाना है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं, मैंने एक ही दिन में सोच करके, और यकीन मानो कि जो भी नाम रखता है अगले दिन मैंने आपको वीडियो देनी शुरू कर देनी थी। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जिम्मेवारी में बंधना चाहते हैं ना, तो हम फिर उसको पूरा एक पैटर्न देते हैं, एक प्रोसेस देते हैं। इसमें मैंने आपको इन्वॉल्व किया, आपकी सहमति ली, आप लोगों ने इसके लिए अपना सुझाव दिया, तब जा करके मैंने फिर ये नाम चुना। और जब नाम इतने हम प्यार से, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से चुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम इसमें काम भी करेंगे, तो ये तो तय है। तो इस कार्यक्रम का नाम मैंने जो रखा है वो है, आप सब ने जो सुझाया है ये 22 नाम जो मैंने अभी लिए, वो है समाधान। हालांकि ये बड़ा सरल सा है और लगता है कि अरे इससे अच्छे तो वो थे जो ये सब ने बताए। बेशक सब अच्छे नाम थे और कईयों के मैंने नाम बोले भी नहीं, सब अच्छे लगे मुझे। मैं एक बात जानता हूँ, मुझे कोई चीज़ इस तरह से नहीं है कि कम लग रही थी, लेकिन आपका प्यार के आगे तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी इतने लोगों ने एक ही नाम सुझाया, और फिर भी ये सरल भी है कि इससे एक तरह से मैसेज जाता है कि समाधान, मुझे भी मेरा समाधान मिलेगा या मुझे भी इसमें कुछ मिलेगा। ऐसा हर इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तो वो कुछ खोजता है, तो उसमें हम को किसी की कोई जिज्ञासा को होती है, कोई किसी का कोई अपना संदेह होता है, चाहे वो अगर होता, अगर सिर्फ आयुर्वेद पे आधारित होता तो मैं लिख सकता था आयुर्वेद का, जैसे आपने लिखा यहाँ पे, कईयों ने आयुर्वेद दर्शन ऐसे करके भी नाम सुझाव दिए। लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, कोई भी किसी तरह का भी हो सकता है, तो हम उस पर चर्चा करनी है जब रोज़ प्रश्नों पर, तो फिर उसका नाम मुझे लगा कि यही ठीक है। हालांकि कई लोगों ने लिखा था कि आपके प्रश्न मेरे जवाब ऐसे करके, कई लोगों ने अपने सुझाव दिए, ये भी बड़े अच्छे लगे मुझे नाम इस तरह के। और फिर भी मेरे को लगा कि नहीं, अब ये समाधान बड़ा अच्छा। कई बार हम इस तरह से बोल देते हैं कि हम प्रश्न नहीं भी लेते, लेकिन वो होता किसी का प्रश्न है, उस ढंग से भी कोई चर्चा हो जाती है तो जो आपके काम आए। तो समाधान मेरे को कार्यक्रम का नाम अच्छा लगा, तो मैंने ये चुन लिया है। आप सब लोगों ने जिन्होंने ये मुझे सुझाव दिए, जिनके मैंने नाम चुने नहीं चुने या वीडियो में बोले नहीं बोले, सबका धन्यवाद। और ये एक एहसास मुझे हुआ कि नहीं, सब लोग जुड़े हुए हैं, चिंता करते हैं मेरे लिए भी, हमारे इस परिवार के लिए, कि नहीं ऐसे ऐसे उन्होंने समय निकाला, इस चीज़ को लिखा, और बड़े अच्छे अच्छे लंबे लंबे कॉमेंट्स भी थे, मैंने सबके पढ़े। क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत से लिख रहे हैं तो फिर मैं भी, मेरे को भी लगा कि मैं पढ़ूं। और इसमें एक दो बातें और हैं कि कई लोगों ने मुझे सुझाव दिया, जैसे पिंकी मॉन्डल जी ने सुझाव दिया कि आप अपनी वीडियोस जो हिंदी में बोलते हैं इनकी डबिंग करवाएं, इनको इंग्लिश में डबिंग करवा के कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोले और आपकी आवाज़ को थोड़ा बंद करके इंग्लिश की आवाज़ के साथ करके इसको इंग्लिश का एक चैनल बना के उसमें डाला जाए।
मेरे को ये सुझाव अच्छा भी लगा और मैं इससे पहले भी इस पर सोच रहा था, तो इन्होंने जब बोला तो मेरे को लगा होना चाहिए, तो मैंने अपने YouTube के चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट किया कि मुझे इस तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए। तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से मैंने दो तीन आर्टिस्ट जो हैं उनको चुन भी लिया है और आगे भी चुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कोई जेंट्स की आवाज़ हो या लेडीज़ की आवाज़ हो, मेरे को चल जाएगा दोनों ही, और मैं फील नहीं करता इस तरह का शेम, मुझे नहीं फील होता। मेरे को मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए, मेरे ऋषियों का गुरुओं का मैसेज दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें अगर महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब आगे आएंगे, उनको काम भी मिलेगा और मेरे ख्याल से उनको नाम भी मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर में, उनका उसी लाइन में, उसी फील्ड में स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि मेरे वीडियोस जब लोग देखेंगे तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे लोगों को कि हाँ मैंने ये काम किया है पहले, तो एक तरह से इनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसलिए मैं एक व्यक्ति को चुनने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सारे व्यक्तियों को इसमें चुनूंगा जो मुझे परफेक्ट लगेंगे, अच्छे लगेंगे, जो मेहनत करने की इच्छा रखते होंगे। कई लोगों ने पूछा इसके पैसे भी दोगे कि नहीं दोगे, उनको पैसे ज़रूर दे देना, उनकी उनकी मेहनत ले रहे हो, तो ये चीज़ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझते हैं। और ये जल्दी ही शुरू भी हो जाएगा, मुझे नहीं पता ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि नहीं कर सकते हम ऐसा, कि नहीं एक वही वीडियो सेम दूसरे चैनल में डाल के, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ हो, क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से इंग्लिश में, एंड आई हैव ट्राइड फॉर दैट, एंड यू कैन सी आई हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोज़ इन इंग्लिश ऑन माई अदर चैनल, दैट इज़ नित्यानंदम इंग्लिश, बट आई एम सो बिजी नाउ अ डेज, आई हैव अ लैक ऑफ स्टाफ एंड ऑल, दैट्स वाई आई एम वर्किंग लॉट ऑफ थिंग्स बाई माई सेल्फ, सो मैं नहीं कर पा रहा था। जैसे आप देख रहे हैं टूटी फूटी इंग्लिश जोड़ के बोल लेता हूँ, ये मैंने मेहनत करी, मेरे को लगा कि नहीं करनी चाहिए, मेरे को दुनिया तक अपना मैसेज पहुँचाना है। कई लोगों ने कहा कि नहीं आप हमारी चीज़ों को अपनी भाषा में रहने दो, कई लोग हमारे जो अंग्रेज वाले हैं या दूसरे लोग हैं या बाहर के लोग हैं जो इस तरह से हिंदी नहीं जानते, उनको ज़रूरत होगी, वो हिंदी सीखेंगे। भाई एक इंसान अगर थोड़ा एफर्ट करे तो वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, और अगर मैं सोचता रहूं कि जिसको ज़रूरत होगी वो हिंदी सीख लेगा, जिसको पहले शुगर होगी या जिसको पहले हल्दी के फ़ायदे जानने होंगे या आयुर्वेद की छोटे छोटे टिप्स लेने होंगे तो वो पहले हिंदी सीखने जाएगा, ऐसा हर कोई नहीं करता। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम सब तक अपनी चीज़ें पहुँचाएँ। और रही बात कि कई लोगों ने कहा वो चोरी कर लेंगे या ऐसा कर लेंगे, हम नहीं चोरी कर पा रहे, पिछले 19 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे लगता है मैं तो उसमें डूब ही गया हूँ। चोरी करना इतना आसान नहीं है, कर भी लेंगे ना तो ये समुद्र है। मुझे कई कई साल हो गए हैं मैंने एक एक ग्रंथ शुरू किया हुआ है आयुर्वेद का या अपने ऋषियों का कोई भी या आध्यात्मिक ग्रंथ कह लो, अगर हम उसको आराम से गहराई से धीरे धीरे समझ करके पढ़ते हैं वो कई कई साल लग जाते हैं, उसको पूरा नहीं होता। तो हज़ारों हज़ारों ग्रंथ है, कहाँ चोरी करोगे, कहाँ ये चोरी करेंगे, ये फॉलो कर लें ठीक से यही बहुत है। और अगर हम ये सोच लें कि ये चोरी कर लेंगे तो हम किसी को देंगे नहीं, तो यही चीज़ अगर हमारे ऋषि सोचते हैं ना कि ये लोग, कई लोग गलत भी होंगे उसका गलत यूज़ करेंगे तो हम नहीं देते इनको ग्रंथ, तो यकीन मानिए आप और हम लोग भी जानते ना कि ये चीज़ हो सकती है। हम आज धनभागी हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें ये मिला हुआ करके, हमें करना नहीं पड़ रहा। तो अगर हम उनको भी देते हैं, बाहर के विदेशी लोगों को भी, तो ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद का मान बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी फिर भी अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, कुछ चीज़ों प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ये तो है ही है, ये तो शुरू से ही बना हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तभी एक बिजली की रोशनी जलेगी, अकेले नेगेटिव से नहीं जल सकती, अकेले पॉजिटिव से नहीं जल सकती, ये चीज़ आपको भी पता है। तो ये सुझाव था आपका। फिर एक सुझाव आया कि अजय शर्मा जी का, कि आप 4K UHD कैमरा यूज़ करें जो कि आपकी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और यूट्यूब फिर आपकी वीडियोस को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो इस बारे में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मुझे डिटेल में बताएं, अगर हमारे आश्रम में कॉल करके आप हेल्पलाइन पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें तो मैं आपको टच में ले सकता हूँ, कि आपने जो सुझाव दिया इस पे विचार विमर्श अच्छे से डिटेल में हो,
कि अगर ये वाकई में यूज़फुल है तो इस पे हम ज़रूर आने वाले समय में काम करेंगे। और मैं सोच रहा था कि जैसे कार्यक्रम लाइव हो सकें, बहुत सारे लोग कहते थे कि आप योग टीचर ट्रेनिंग का कैंप लेते हो अपने आश्रम में या कई तरह के कोर्सेज की क्लासेस लेते हो, आप लाइव क्यों नहीं करते? देखा देखा, ये चाहते ही नहीं है कि हर कोई इनका लाभ ले, ये चाहते हैं कि इनके पास कोई आए फिर ये उसको सामान बेचें या ऐसे करें या इनसे पैसे लें। भाई ऐसा नहीं है ना, इस समय मेरे पास वो इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी साधन ना मुझे नॉलेज है कि किस तरह से आपको मैं अपने जो कैंप्स हैं उसका लाइव दे सकूं। हालांकि मैं कई कई बार मोबाइल के थ्रू अटैच करके आपको एक दो बार लाइव मैंने किया भी है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी में नहीं आ पाता है। तो मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति हमारे साथ इस तरह से जुड़े, इस तरह के लोग, आप में से कई लोग जो सूझवान हैं, जो बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो मैं इस पर विचार करूँगा, इस पे काम करेंगे, इस पे आप लोगों के साथ मिलके ये ज़रूर करेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पिछले दिनों, इसलिए मैंने नहीं किया। और कई लोग कह रहे थे कि आप कुछ फीस रख लें अपने आश्रम में लोगों को मिलने की, तो ऐसी मैं कभी करूँगा नहीं, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। और आप इसको लाइफ लॉन्ग देखिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स जो हमारे हायर किए हुए हैं, या आगे भी मैं जो डॉक्टर्स को आमंत्रित करता हूँ जो जुड़ करके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, सेवा भावी हैं, अच्छे हैं, तो वो फीस लेंगे, आप देखेंगे, वो तो लेंगे, उनका काम है, उन्होंने प्रोफेशन ही यही है। अगर उनके लिए मैं बंद कर दूंगा रास्ते कमाई के, तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं उनको ग्रो होता हुआ देखना चाहता हूँ साथ साथ, जैसे आप ठीक होते हुए, आपको ठीक होते हुए देख के मुझे अच्छा लगता है ना, ऐसे उनको ग्रो होता हुआ देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसलिए आप मुझे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारे डॉक्टर्स फीस क्यों ले रहे हैं। हो सकता है आप आश्रमों में आए, वहाँ फ्री हो सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन के लिए अभी मैंने पेड रखा हुआ है, तो वो तो करना ही है। लेकिन मैं अपने संतुष्टि इसी में मानता हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं मिलूं बस लोगों से, और मेरे से जो सलाह ले पाएँ ठीक है, अगर नहीं दे पाता तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, आप फलाने फलाने हमारे डॉक्टर से बात करो या इस तरह करो। ये चीज़ होती है, हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, तो ये मेरा सुकून है, ये मेरा नशा है, इसको मैं बिजनेस नहीं बना सकता। और कुछ जगह पे मजबूरियाँ होती हैं, जैसे मैंने पेड कंटेंट आप सब लोग जानते हैं मैंने बनाना शुरू किया है, कोर्सेज जैसे कह सकते हैं कि आप जुड़े हैं उसमें, आपको आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स शुरू किया है और भी मास्टर क्लास शुरू की है, तो ये सब आप जो चैनल ज्वाइन करते हैं उनको मिल भी रहा है, दे भी रहे हैं वो कार्यक्रम। और इससे क्या है कि वो आप लोगों का सहयोग, फिर ये अच्छी तरह क्वालिटी वाले लोगों को जोड़ करके उनसे, उनको कुछ पे करना, उनसे कुछ काम लेना, वही काम रिपीट आपको मिलेगा वापस अलग फॉर्म में, कि आपको और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें विस्तार होता ही इसी तरह से है। ये था आज का सारा मेरा जो मन का भाव विचार, मेरे मन के जो अंदर के संकल्प थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और आपके सुझावों को भी मैं बड़ी विनम्रता से कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सोचने वाले, काम करने वाले, और मुझे इस तरह से, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन में आएंगी आएंगी, मैं जब चला था, निकला था, तो कुछ भी नहीं था, और आज आप लाखों करोड़ों लोग, अगर देखा जाए तो सब्सक्राइबर बेशक 10-10 लाख हैं दोनों चैनल पे, लेकिन अगर व्यूअर्स की बात करें तो वो करोड़ों में है। तो करोड़ों दर्शकों ने अगर प्यार दिया, देखा, उन लोगों के अगर थोड़ा सा भी काम आया होगा, ये हमारा जो सीखा हुआ गुरुओं का दिया प्रसाद है, तो ये मेरे लिए यही बहुत है। फिर भी अगर कोई भूल चुक हुई हो तो उसके लिए क्षमा। जल्दी ही फिर मिलूँगा आप लोगों के जो इस कार्यक्रम में जो विचार विमर्श हैं, जो सलाह हैं, इस पे चर्चा करने के लिए। तो आप बने रहिए, नमस्कार।